अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सभी भाइयों को हसीम नाजा की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। और आप लोगों से गुजारिश है कि अंसर पाशा कोला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। खुदा रहमतुल्लाह अलैह की ओर से बात में अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आज मेरी हाजिरी होने जा रही है। हजरत कुरान शाह चिश्ती का मैं तहे दिल से शुक्र हूँ, ममनून हूँ और आपकी दुआओं का तलबगार हूँ कि आपने मुझे इतनी प्यारी महफिल दी और इतनी अच्छी ऑडियंस मेरे सामने है। मैं आप सबकी इजाजत के साथ आगाज करने जा रहा हूँ और हमारे माशाल्लाह इस कर्नाटक के मशहूर मारूफ ऑर्गेनाइजर मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त जनाब निसार अहमद चिश्ती साहब का भी मैं शुक्र गुजार हूँ कि इन्होंने प्योर महफिल दी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अपने कलामों से आपको खुश कर सकूं। आप सबकी इजाजत के साथ आगाज करने जा रहा हूँ, अगर की इजाजत चाहूंगा। और मेरे अजीज जनाब सिराज चिश्ती की इजाजत चाहूंगा, मेरे फनकार भाइयों की इजाजत चाहूंगा। आगाज नाते पाक से कर रहा हूं लेकिन चार मिसरे दुआया समाप्त करें। जिंदगी को मेरी बेनूर ना होने देना, अपनी रहमत से कभी दूर ना होने देना। या खुदा सजदे में तुझसे दुआ नाज़ा की, अपने बंदे को तू रात में जुगनू चमकते भेज देता है, मुसीबत से निकलने के वसीले भेज देता है। अजाने शहर में जिस घर का खुल जाता है दरवाजा, खुदा उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है। नाम के चार मिसरे समाप्त करें। रहमतों से वो कभी दूर नहीं हो सकता, मुफलिसी में भी वो मजबूर। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं सिंधों को सुना रहा हूँ। हाँ, मिश्रा दोहराए आप लोग। रहमतों से वो कभी दूर नहीं हो सकता, मुफलिसी में भी वो मजबूर।
नहीं हो सकता जिसके चेहरे पे मोहम्मद की नजर पड़ जाए उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। छा गई है कर्म की घटा जी सर झुका लो दयारे हबीबा गया अपनी गाहों के सजने निछावर करो लो मोहम्मद का रोजा करीबा गया। छा गई है कर्म की घटा हाथियों सर झुका लो दयारे हबीबा गया अपनी गाहों के सजने निछावर करो लो मोहम्मद का रोजा करीब आ गया। रश के हवा है तू रश के मरियम है तू आज से फखरे औलाद आदम है तू ऐ हबीबा तुझे और क्या चाहिए तेरे घर में खुदा का हबीबा गया। आइए नाते पाक का मतला समाप्त करें। मेरे बुजुर्ग के अखलाक ने जीत लिया। अब उसके बाद मेरा मूड बनता गया। अब सुनाने जा रहा हूँ हकीकत ला मका को बेशक हकीकत ला मका को बेशक खुदा ही समझे खुदा ही जाने और से सुन रहे हैं उनसे तवज्जो चाहूंगा।
हकीकत बेला मका को बेशक हकीकत बेला मका को बेशक खुदाई समझे खुदाई यार अली अल्लाह और मीम प्यार कमोबेश 1,23,999 पैगंबरों के समझ में नहीं आया कि अली इस्लाम नाम क्या है। ये सिर्फ अल्लाह का महबूब यासीन ताहा मुजम्मिल मुबशिर अहमद प्यारा ही समझ सकता है। अली इस्लाम बस मेरे तशरीफ फरमा है मेरे शागिर्द भी बहुत आए हैं सुनने के लिए इस टूटे फूटे को शबे मेराज में
जब नीम का पर्दा हटा हटा तो वहां पर महबूब और मोहित के सिवा कोई नहीं था। उस पर्दे के अंदर आईना आईना सामने रूबरू हो बहू, तीसरे की बात नहीं है, वहां तीसरा था ही नहीं। की जमीन पे वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजर हैं, एक उभरता ऑर्गेनाइजर भी मेरे सामने है जिसका नाम इकरार है, अल्लाह इसे खूब नवाजे अपने काम में। मैं दुआ दे रहा हूँ। अब आइए शेर सुने, शेर सुने सिराज, शेर सुनना। निशान भाई तुम ऐसी जगह बैठे हो, अभी आपने हम दोनों बजा पेश कर दिया, आपकी ड्यूटी खत्म। सिरो वो ख्वाब दिल सुकून मुखातिब, वो ख्वाब गिलमा सुकून मुखातिब, बहिश्त खोया थी चारों जाने, बहिश्त खोया थी चारों जाने, वो ख्वाब। जरा मेरी तरफ आप लोग बिल्कुल मुतवज्जा रहे, ना थे इधर उधर बिल्कुल ना देखें, ना बोलते रहे तो आशिक रसूल सांस लेना भूल जाते हैं। वो ख्वाब दिल मां पूरों का ख्वाब, पूरों का ख्वाब, सुकून मुखातिब, जन्नत बहिश्त खोया थी चारों जानिब, वो ख्वाब सुकून मुखातिब, बहिश्त खोया थी चारों जानिब, नबी के बिस्तर पे थी जो आई, नबी के बिस्तर पे थी जो आई, वो नींद वाली मुर्दारी जाए।
थोड़ा अली 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 कैसा लगा, कैसा लगा नबी के बिस्तर में सोकर? अली बताओ कैसा लगा नबी के बिस्तर में सोकर? हजरत अली का जवाब देखे, कहते हैं कि मैं अपनी पूरी उम्र में, पूरी जिंदगी में ऐसी नींद नहीं सोया जैसी नींद मुझे नबी के बिस्तर पे आई। शॉर्ट में बोला गया, शेर सुने था, खुदा ने जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं या रसूलल्लाह इस चौथे फलक पे, इस चौथे फलक से अपना आगे बढ़ूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला का हुक्म नहीं है आगे जाने का, मेरे पर जल जाएंगे, मुझे इजाजत नहीं है आगे जाने की। अब यहाँ से आपको अकेला सफर करना है, आपको यहाँ से तनहा सफर करना है, ये चौथे फलक से आगे आपको अकेले जाना है, कहना है ये बस हबीबे पीरों की महफिल है, मुरीदों की खानकाह है। आज
आशिकों की बज़्म है, ये दीवानों का मकान है, या अकल वालों का काम नहीं, ये दीवानों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है। मेरा आप शेर पढ़ने जा रहा हूँ साहब। जो परदाए मी महद ने ओढ़ा, जो परदाए मी महद ने ओढ़ा, खबर दाए मी महद ने ओढ़ा। थोड़ा सा तुम लोगों के साथ थोड़ा सा सर सर अपना सर नीचे कर लिया। जो परदे मी आहत ने ओढ़ा, जो परदे मी आहत ने ओढ़ा, तो शक ने अहमत हुआ के फासले को, ये आदो अहमद के फासले को, नबी समझे खुदाई जाने, ये आदो अहमद के फासले को, नबी समझे खुदाई जाने, ये आदो अहमद के फासले को, नबी समझे खुदाई जाने। खुद को बंदों की निगाहों से छुपा रखा है, खुद को बंदों की निगाहों से छुपा रखा है, और महबूब को कुर्सी पे बिठा रखा है, खुद को बंदों की निगाहों से छुपा रखा है, और महबूब को कुर्सी पे बिठा रखा है। महबो अहमद का आया राज ना हो जाए कहीं, इसलिए मीर के पर्दे को गिरा रखा है। मशाइख भाई, मैं आप लोगों की दुआओं का तलबदार हूँ, ये जो चंद मिसरे रखने जा रहा हूँ, मेरे माँ बहनों से भी तवज्जो चाहूंगा, मेरे अजीजों से, मेरे नौजवानों से, बुजुर्गों से तवज्जो चाहूंगा, और मेरे फनकार भाइयों से भी। खिड़की खुल जाएगी, मिश्रा सुनना।
इस तरह नूर को अपने आला किया, मर्तबे पे भी एक मर्तबा रख दिया। अब बाबा जान, जो लोग कलाम को समझते हैं वो यहाँ जरा थोड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं कि मर्तबे पे मर्तबे का क्या सवाल है। जब अल्लाह तबारक ताला ने कह दिया कि कमोबेश 1,23,999 नबियों का मर्तबा अपनी जगह, मेरा महबूब अपनी जगह, फिर मर्तबे पे मर्तबे, फिर मर्तबे पे मर्तबे का मतलब क्या है? अब बता रहा हूं मतलब। इस तरह नूर को अपने आला किया, मर्तबे पे भी एक मर्तबा रख दिया। कैसे? खातून खुल्द बेटी का ने मर्तबा और दामाद रुतबे में शेर खुदा, दोनों सानों पे हैं दीन के दो रतन, एक तरफ है हुसैन एक तरफ है। बेटी का है मर्तबा और दामाद रुतबे में शेर खुदा, दोनों जानों पे हैं दीन के दो रतन, एक तरफ है हुसैन एक तरफ है की खातून है, दामाद है तो खुदा का शेर है, नवासे है तो तीनों दुनिया के शहजादे हैं। कोई उसी तरह से मायूस लौटा नहीं, कोई उसी तरह से मायूस लौटा नहीं, सबके सब हैं बड़े कोई छोटा नहीं। नबी के घर की बातें जब हमारे दरमियान होगी, नबी के घर की बातें जब हमारे, नबी के घर की बातें जब हमारे दरमियान होंगी, न रोके से रुकेगी घर शुरू ये सिस्टियां होंगी। मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत है मगर यारो, मेरी बेटी से अच्छी फातिमा की जूतियां होंगी।
बहुत ही खूबसूरत नहीं है, कोई भी बात बात उसको अपनी बेटी में कोई नुक्स नजर नहीं आता। हजारों नुक्स हो औलाद में लेकिन माँ बाप को नजर नहीं आते। इसलिए कहना है कि मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, मगर यारो मेरी बेटी से अच्छी फातिमा की जूतियां जूतियां होंगी, फातिमा की जूतियां होंगी। एक मैं आज एक एक इल्तिजा करना चाहूंगा कि जो बेटियों वाले हैं उनसे मेरी इल्तिजा है कि बात कोई भी हो अपनी बेटियों को कभी मारे ना, हाथ ना उठाए, अपनी बेटियों को कभी झिड़के ना, अपनी बेटियों को कभी गाली गुफ्तार ना कर ना दे। क्यों क्यों मकान देखे मकान देखे के जीनते दुनिया भी है और खुल्द की मेहमान है। ये कोई मेरा नहीं असहाब का फरमान है, अपने कानों से सुना सरकार को कहते हुए, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप भी कुर्बान है। थोड़ी देर रुकाया चाह रहा हूँ, उसके साथ नात मुकम्मल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है, बागन मेरी आदत है। मैं नात का शेर कभी आखिरी नहीं कहता, कभी आखिरी हो ही नहीं सकता। नबी का जिक्र कभी आखिरी हो नहीं सकता, रोजे कयामत तक भरोसे महशर तक। इसलिए मेरी औकात के अगर मैं आखिरी में हूँ, ये शेर के साथ नाप पूरी कर रहा हूँ। तवज्जो उस्मते अहले बैत नाज़ा, उस्मते अहले बैत नाज़ा, तुम उस्मते अहले बैत नाज़ा, ना जान पाओगे हश्र तक। नबी को काबा, नबी को काबा, अली को खैबर, नबी को काबा, अली को खैबर।